हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, अगर यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, उसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं आया है। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, या फिर फॉर्म को भर नहीं पाए थे, या फिर फॉर्म को भर लिए थे तो फॉर्म उनका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो आज की लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे। कई सारी यूनिवर्सिटी से भी अपडेट आई है और न्यूज़पेपर की भी अपडेट है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका कहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा कल ये अपडेट जारी किया गया है। और यहाँ देखिए, महोदय आपको अवगत कराना है कि कृपया अपने संस्था विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें कि जो छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 के आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए पुनः 30 अप्रैल से लेकर के और 4 मई 2024 तक साइट खोली जा रही है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, जैसे कि आपको भी मालूम है कि जो शुरू में डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहता, या फिर कई सारी समस्याएं आ जाती है जिसके कारण वो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे देखिए, 30 अप्रैल से लेकर के 4 मई 2024 तक साइट खोली जा रही है। अब यहाँ पे ये समस्या आ रही है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछेंगे भी कि ये किनके लिए पोर्टल ओपन होगा, केवल SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए होगा या फिर जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अपडेट आई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा, ये अपडेट जारी किया गया है और इसके रिगार्डिंग विभाग के द्वारा, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप के विभाग के द्वारा कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। जैसे ही जारी होती है कि मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा कि किन बच्चों को भरना है, केवल SC ST के बच्चों को मौका मिलेगा या फिर जो जनरल OBC माइनॉरिटी, या फिर कह लिए कि सभी वर्ग के छात्रों के लिए मौका मिलेगा कि जो छात्र पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, तो 30 अप्रैल 2024 से लेकर के 4 मई 2024 तक फिर से वो साइट जब खुलेगी तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपडेट जैसे ही कह लिए कि विभाग के द्वारा कोई ऑफिशियल सूचना आती है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, नोडल अधिकारी के द्वारा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के आगरा के जो नोडल अधिकारी है, उनके द्वारा ये अपडेट जारी किया गया है, ठीक है। फिर से यहाँ पे दूसरी चीज दिख रही होगी, यहाँ पे दूसरी अपडेट दिख रही होगी, विषय की बात करें इसके, तो यहाँ देखिए प्रेसर कुल सचिव लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा है, विषय दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2023-24 हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि कतिपय कारणों से जमा न होने हो पाने के कारण पुनः बैंक से संपर्क कर बैंक खाता को सही कराने के संबंध में। यहाँ पे देखिए, ये जो अपडेट कहा जा रहा है केवल अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि यह ये काम कर ले। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे बच्चों को जब पैसा आता है तो फेल्ड हो जाता है। फेल्ड होने के रीजन बहुत सारे होते हैं, कभी कभी NPCI हट जाता है, कभी कभी लिमिट की समस्या रहती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो उनके लिए यहाँ पे तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जिनका पैसा भेजा गया होगा, PFMS पे भी आपने देखा होगा, वहां पे कह लिए कि फील्ड दिखा रहा होगा, तो फील्ड दिखा रहा होगा तो आप जाकर के बैंक से EKYC वगैरह कंप्लीट करा लेंगे, NPCI से आपका मैप होना चाहिए, और विभाग के द्वारा जब फिर से आपका दोबारा पैसा भेजा जाएगा तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये विशेष करके यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए है। जिनका भी पेमेंट वगैरह फेल्ड हो गया है, प्रेफरेंस पे दिखा रहा होगा कि फेल्ड हो गया है, अनसक्सेसफुल दिखा रहा होगा, वो ये काम जरूर कर लेंगे, बैंक से सारी चीज जाकर के सही करा लेंगे। ये सारे रीजन है क्यों आपके ट्रांजेक्शन वगैरह फेल्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी कभी IFSC कोड जो आपका होता है वो भी चेंज हो जाता है, बैंक जब दूसरे बैंक में मर्ज होता है तो वो चेंज हो जाता है, तब भी ये समस्या आ जाती है, आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाता है। तो इन सारी चीजों को, ये अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया होगा तो ये सारे काम आप जाकर के बैंक से करा जरूर लेंगे, बैंक के जो आपका अकाउंट है उसको व्यवस्थित कर लेंगे कि विभाग के द्वारा जब फिर से आपका पैसा भेजा जाए तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाए, ठीक है। ये दूसरी अपडेट थी। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि छात्रवृत्ति से वंचित छात्र आज से दोबारा कर सकेंगे आवेदन। यहाँ पे दोबारा कर सकेंगे आवेदन से मतलब क्या है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं हैं, यानी कि SC ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनको मालूम है आपको, मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था, जो सेकंड शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किया है तो 26 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2024 तक कहिए कि उनका करेक्शन होने वाला था, ठीक है। इसके रिगार्डिंग देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विभाग के द्वारा वो मैं आपको दिखा दूं, इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो विभाग के द्वारा रिलीज किया गया था, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 26 अप्रैल 2024 से लेकर के और 3 मई 2024 तक आवेदन को आपको कहिए क्या करना है, सही करना है। यानी कि कोई भी त्रुटि होगी, अगर आपने फॉर्म को 1 जनवरी के बाद से फॉर्म को फिलअप किया होगा सेकेंड शिफ्ट में, और आप SC और ST वर्ग के छात्र छात्राएं होंगे, SC या फिर ST कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो अगर आपको करेक्शन करना होगा तो आप करेक्शन कर सकते हैं, पोर्टल ओपन हो गया है। मैं आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा एक, यहाँ पे देखिए 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक, और फिर आपको हार्ड कॉपी आपको 7 मई 2024 तक कॉलेज में ले जाकर के सबमिट कर देना है, और फिर से उसके बाद से आपका पैसा कब आएगा, तो पहले आपका DWOL से फिर से जांच होगा 14 जून 2024 तक, उसके बाद से आपका पैसा जून के लास्ट में जाकर के आपका पैसा विभाग के द्वारा, अगर आपके पूरे डाटा सही पाए जाते हैं तो आपका पैसा विभाग के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो अगर आप SC या फिर ST कास्ट
कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपके वेरिफिकेशन के चांसेस ज्यादा है, DWU लेवल से वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको मालूम है कि पहले डेट, बहुत पहले डेट इंड हो गई है, तो अभी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कोई अपडेट नहीं है। लेकिन एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कई प्रकार की गुड न्यूज आती रहती है कि हाँ, आपके लिए फिर से करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा या फिर आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आपने पहले भी देखा होगा, लगभग लगभग जो इनका सेकेंड शिफ्ट चालू हुआ था तो 1 जनवरी से फिर से कहिए कि उनको मौका मिला था, और लगभग मार्च के लास्ट तक उनको मौका मिला था, बहुत लेट तक उनका आवेदन वगैरह हुआ था। तो इनके लिए काफी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, शासन देती है, काफी सारे मौके मिलते हैं। और इनके स्कॉलरशिप का पैसा, इसमें जो एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, इनमें काफी सारे बच्चों का, कुछ ही बच्चे बचते हैं जिनका पैसा नहीं आ पाता है, और लगभग लगभग 85% बच्चों का जो एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनका पैसा विभाग के द्वारा भेज दिया जाता है या फिर कहिए कि उनका पैसा आ जाता है। लेकिन जो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ ही बच्चों का पैसा वगैरह आ पाता है, कभी 50%, कभी 60%, कभी 70% बच्चों का पैसा वगैरह आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है, कभी फॉर्म ही वेरीफाइड नहीं होता है, कभी पेंडिंग में रह जाता है, कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन फेल तो चलिए एक तरीके से अपनी गलती है, लेकिन और जो भी समस्या है, चाहे वो ऑटोमेटिकली रिजेक्शन की समस्या हो या फिर कहिए कि पेंडिंग में पड़ा हो, तो ये तो विभाग की गलती है। तो विभाग को चाहिए कि सभी बच्चों के लिए कम से कम एक बार और पोर्टल खोले, पोर्टल ओपन करे, जिनका भी फॉर्म वगैरह पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर जो भी समस्या हो उसको सही करे, DWU लेवल से वो वेरीफाइड हो और फिर से उन सभी बच्चों का पैसा जून में जाकर के, जून के लास्ट तक उनका पैसा वगैरह आ जाए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे विभाग के द्वारा कोई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के रिगार्डिंग, मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, और जिनका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है और उनका पैसा नहीं आया है, तो देखिए मैंने आपको 18 अप्रैल 2024 की डेट में भी इन्फॉर्म किया था कि आपका पैसा भेजा जा रहा है जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, धीरे धीरे फंड को व्यवस्थित करके उस हिसाब से आपका पैसा भेजा जा रहा है। तो आपका पैसा जून के लास्ट तक कभी भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। कोई जरूर नहीं है कि हाँ एक साथ सभी बच्चों का आएगा, कुछ कुछ बच्चों का करके आ रहा है। 18 अप्रैल को आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आया था। ठीक है, तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।